Hi students, good morning everybody. This is KD sir from Shivam Education. Right? आज हम start करने वाले हैं chapter number 2, polynomials of class 10. Right? तो आज हम introduction कर लेते हैं. Let us see the introduction. Right? Polynomials क्या होता है? What are called polynomials? Poly का मतलब क्या? सबसे पहले पॉली मतलब मैनी, बरोबर. इसका मतलब कहीं वन से शुरू हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल उससे भी अच्छा इंट्रोडक्शन में देने की कोशिश करता हूं. राइट, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं वेरिएबल. ये सब हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, पहले ये अंडरस्टैंड कर लीजिए. वेरिएबल्स एक्स वाई जेड ए बी कोई भी जो है लेटर्स जो है उसको अगर हम लेते हैं राइट फॉर इक्वेशन मेकिंग के लिए तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल. वेरिएबल अ वैल्यू डिनोटेड बाय सम लेटर टू एनीथिंग. फॉर एग्जांपल एज ऑफ ए फादर लेट एक्स इयर्स. राइट, मम्मी बॉट 250 ग्राम सुगर लेट इट बी एक्स ग्राम ऑफ सुगर. तो ये जो वेरिएबल्स हैं वो कुछ भी ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल. तो अगर ये जो है यही चीज हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग इक्वेशंस में. राइट, तो पॉलिनोमियल्स मतलब सपोज दिस इज द थिंग. राइट, ये जो है ए एक्स प्लस बी, यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक्स जो है वेरिएबल है. राइट, ये जो है कोएफिशिएंट है और बी जो है कांस्टेंट है. राइट, अगर आपको ये इस तरह समझ में नहीं आता तो मैं एक नंबर लिख के देता हूं 2x प्लस 3. इसको किसके साथ कंपेयर करके देखें, सेम टू सेम है. ये ए बी एक्स वाई उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है. इफ दे आर सेम लाइक कैरिंग सम न्यूमेरिकल वैल्यू, बट बिकॉज दे आर कैरिंग अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू वी सपोज दिस वे ए एक्स प्लस बी. ओके, तो x इज अ वेरिएबल, a इज ए कोएफिशिएंट, b इज कांस्टेंट. नाउ यहां पे अगर आप देखिए पावर ऑफ x कितना है सर, जब कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है. राइट, तो ये जो 1 है इसको हम लोग डिग्री ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं. तो ये जो डिग्री है ये इस इक्वेशन का जो पावर है उस पर डिपेंड करता है. राइट, सपोज यही जगह पे अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरह का इक्वेशन लेता हूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन लेता हूं, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक्स का पावर 2 भी है, एक्स का पावर 1 भी है. राइट, 1 भी है. तो हाईएस्ट डिग्री की हाईएस्ट पावर किसका है, इसको. तो देयरफॉर द डिग्री इज 2. अंडरस्टूड ऑल ऑफ देम? राइट, तो इस तरह पहले तो वेरिएबल इक्वेशन की बात करते हैं वेरिएबल में, सिंगल ये वन वेरिएबल में. तो ये इस तरह का इंट्रोडक्शन है. राइट, अब आपके आगे बात करते हैं टू एक्स. राइट, थ्री एक्स माइनस फोर. राइट, ये सब क्या है, एक टर्म है. दिस ऑल आर कॉल्ड टर्म्स. राइट, बट दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोमियल. स्टैंडर्ड 9, स्टैंडर्ड 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं दिस इज कॉल्ड मोनोमियल, सिंगल टर्म. वन टर्म है तो इट इज मोनोमियल. इफ इट गोज टू 2x प्लस 3, दो टर्म हो गया 1 2. आप बोलेंगे ये तो कॉन्स्टेंट है सर, इसमें वेरिएबल नहीं है. इसमें भी वेरिएबल छुपा हुआ है. लेट मी टेल यू हाउ. 2x मतलब पावर 1 है, 3x पावर 0 है. x का पावर 0 हमेशा क्या देता है, 1 देता है. देयरफॉर इट इज इक्वलन टू 2x प्लस 3 जो हम लोग कांस्टेंट लेते हैं. राइट, सो दिस इज द थिंग. तो दिस इज बाइनोमियल. राइट, और अगर यही चीज 2x स्क्वायर 3x प्लस 4 आता है तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल. ये हमारा रिवीजन चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर पॉलिनोमियल. राइट, तो ये हो गया ट्राइनोमियल, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल.
राइट। तो अब ये इसके आगे जो भी है वो सब हो जाएगा पॉलिनोमियल, एंड दिस वे वी कम टू पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड? द मोर नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स पॉलिनोमियल। ओके, चलो अब आगे जाते हैं। अब ये था 9th स्टैंडर्ड का। अब आप देखिए जरा, ए एक्स प्लस बी, वेर, अच्छा, एवरी पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय पी ऑफ एक्स, बिकॉज वेरिएबल इज अ पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल। सो दिस इज अ इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल को क्या करेंगे, एक्स, तो हम हमेशा इसको पी ऑफ एक्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? पी ऑफ एक्स। तो ए एक्स प्लस बी अगर आता है तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं सर? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कब बोलते हैं? व्हेन द पावर ऑफ एक्स इज वन, इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। वापस बोलो, व्हेन द पावर ऑफ एक्स इज वन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो आगे जाते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप बताइए डिग्री क्या है इसका? इसका है 2, राइट, क्योंकि मैंने क्या बोला, द हाईएस्ट पावर को डिग्री बोला है। तो व्हेन द डिग्री ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 2, इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और इसके बाद जो है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यहां अगर आप देखें तो क्यूब, राइट, 3 इज द डिग्री, दैटफॉर इट इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन। ओके, क्यूबिक इक्वेशन अब यहां हो गया। अब हम ये लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, राइट, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? व्हेन वी टेक एनी वैल्यू ऑफ के फॉर एक्स, राइट, लेट एक्स इज इक्वल टू के इन पी ऑफ एक्स, तो क्या आएगा? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, राइट, तो P of K is equal to, K का वैल्यू डालूंगा तो क्या हो जाएगा? K plus B. Now, for P of K is equal to 0, P of K is equal to 0 लेता हूं तो क्या हो जाएगा? K plus B is equal to 0. Therefore, K is equal to minus B. Therefore, K is equal to minus B upon A. Understood? Minus b upon a is the standard form. This is the zeros of the given linear equation. इसको क्या बोलते हैं? अब value बोलो या zeros. This is the zero of the given linear equation. तो this is the thing. ये b क्या हुआ? b is the constant term. और a क्या है? Coefficient of the area. Coefficient of the of x, right? तो this is the thing. आपका ये formula रहेगा और ये हमारा exercise 2.1 सिर्फ यहाँ तक है. Okay? तो I hope you understood what is terms, what is monomial, binomial, trinomial, what is linear equation, quadratic equation and cubic equation and how to find out the value of k and what is called the value of p of x. Right? And what is called the zeros? क्या बोलते हैं? Zeros किसे कहते हैं? दूसरी भी बातें बता दो। एक example ले लेते हैं zeros के लिए। तो शायद आपको और अच्छी तरह होगा। X square minus one, ये p of x है। X square minus one, right? तो x square minus one के लिए हम अगर ले लेते हैं p of x is equal to zero, तो x square minus one is equal to zero, तो x minus one, x plus one is equal to zero. Therefore, x equal to plus 1 or x equal to minus 1. So, the 1 and minus 1 are called the zeros of P of x. मतलब, जो number डालने से, जो number का, जो value डालने से, x का value डालने से, अगर P of x 0 हो जाता है, अगर P of x 0 हो जाता है, then that value is called the zeros of the given P of x. That value is called the zeros of the given p of x. Understood? तो इस तरह आपका k value या तो zeros find कर सकते हैं. Okay? Now let's understand some graph mode. Right? ये जो 2.1 में जो graphs पूछा जाता है, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं. Let's see.
Now let's understand geometric meaning of these zeros of a polynomial, right? Geometric meaning मतलब graphical mode, right? तो ये इसमें कैसे है ले? जैसे हमने 9th standard में पढ़ा है ax plus b, right? Suppose ax plus b is a linear equation, right? Therefore we know that y is equal to ax plus b is a straight line. ये क्या देगा? स्ट्रेट लाइन देगा. अगर आपको ये देखना है, राइट, ये कैसे, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो लेने का. अब स्ट्रेट लाइन देगा, लेट अस सी. हम वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री ले लेते हैं. वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, राइट. तो पहले हम लोग को टेबल बनाते सीखते हैं. ये देखिए इस तरह टेबल बनाने का, राइट. यहां पे x दिया है तो एक x को पहला वेरिएबल लेंगे और y यहां पे है तो y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री ये लिख देगा, राइट. अब एक बात समझिए कैसे करना है. x का वैल्यू आप डालेंगे, x का वैल्यू आप डालेंगे और y का इसमें, y के इसमें, और आपको जो आंसर मिलेगा वो यहां लिखने का. फॉर एग्जाम्पल लेट x इज इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू क्या करने का, y इज इक्वल टू टू जीरो प्लस थ्री. कितना मिला सर? थ्री. तो x जब जीरो लूंगा तो y इज इक्वल टू थ्री मिला, राइट. x इक्वल टू वन लेते हैं, x इक्वल टू वन तो क्या लेते हैं, देखिए x इक्वल टू वन मतलब y इज इक्वल टू टू वन प्लस थ्री. कितना आएगा? फाइव. अब एक माइनस वन ले लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस वन तो y इज इक्वल टू टू माइनस वन प्लस थ्री. कितना आएगा? y इज इक्वल टू माइनस टू प्लस थ्री मतलब प्लस वन, राइट. अब ये रख के शायद ग्राफ दो के देखें. चलिए लेट अस सी. ये होगा जीरो जीरो ओरिजिन, राइट. ये होगा x एक्सिस और ये होगा y एक्सिस, राइट. ये होता है. अब यहां पे ले लेते हैं वन टू थ्री फोर और फाइव. यहाँ पे ले लेते हैं वन, ये पॉजिटिव y एक्सिस, थ्री फोर और ये फाइव. यहाँ माइनस में आएगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, राइट. अब ये होगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर और माइनस फाइव. लेट अस सी. पहला वाला जीरो पे थ्री, जीरो यहाँ रखना है. देखो हमेशा x एक्सिस को पॉइंट यहाँ करना है और थ्री ऊपर है तो ये वाला माइंड किया. पहला वाला जीरो थ्री, राइट. सेकंड वाला लेते हैं वन पे क्या आया? फाइव. तो यहाँ मैं वन पे आया तो सामने फाइव आया तो ले लीजिए ये वन पे फाइव, ओके. थर्ड क्या आया? माइनस वन. माइनस वन यहाँ है तो प्लस वन आया तो ये रिया देखिए, राइट. तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है तो आपको परफेक्ट स्केल के थ्रू करना है, राइट. दिस विल गिव, सॉरी, दिस इज द थिंग, राइट. अब ये जहां कट होता है ना यहां पे, यहां देखिए ये जगह यहां कट हुआ, राइट. दिस इज द पॉइंट. ये अगर आप देखें तो क्या है, हमारा जीरोस मिला है या एक्स. अगर आपको देखना है तो देख लीजिए y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री. वाई इज इक्वल टू पी ऑफ y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री. तो जीरो इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री. तो टू एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री. एक्स इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन टू. तो x इक्वल टू कितना आएगा? माइनस वन पॉइंट फाइव. आया कि नहीं? देखिए माइनस वन पॉइंट फाइव, राइट. इस तरह आपको ग्राफ में भी वही मिलेगा जीरोस. तो जो एक्स कोऑर्डिनेट पे आता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड योर जीरोस. और यहाँ पे ये जो लीनियर लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है, राइट, वो एक ही जगह पे पॉइंट करता है. देयरफॉर इट हैज गॉट ओनली वन जीरो. दिस इक्वेशन हैज गॉट वन जीरो. ओके, ये था लीनियर इक्वेशन के लिए. अब हम वही चीज अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते हैं और एक्स एक्सिस पे कितनी बार ये लाइन कट होता है वो देखते हैं. जितनी बार एक्स एक्सिस पे कट होते हैं उतने जीरो से, अंडरस्टैंड. जितनी बार हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट होता है वो हमारे जीरो से, हमको खाली इतना ही काउंट करना है. तो ये लाइन सिर्फ एक ही बार कट होता है और देयरफॉर इट इज ओनली हैविंग वन जीरो. ओके, लेट्स सी इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ लेट अस सी फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेट अस टेक एन एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर.
एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, राइट। अब ये वाला रहेगा देयरफॉर वाई इज इक्वल टू क्या लेना है हमको, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। टेबल बनाना पड़ेगा सर, अब ये टेबल भी आपको कैसे बनाना है ये देख लीजिए। ये जो x है वो छोटा रहेगा, राइट, लेकिन y जो है वो बड़ा रहेगा, क्योंकि पूरा इक्वेशन लिखना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स का वैल्यू हम लोग कुछ भी लेंगे, दो माइनस ले लीजिए, एक जीरो ले लीजिए और दो प्लस ले लीजिए। ओके, तो माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, लेट अस सी फॉर x इज इक्वल टू माइनस टू, तो y वैल्यू रखो माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू माइनस फोर, कितना आएगा फोर, फोर माइनस थ्री माइनस सिक्स प्लस सिक्स और माइनस फोर, तो दैट इज सिक्स, राइट, अंडरस्टूड ऑल ऑफ देम। सेम वे अभी हम लोग सेकेंड इक्वेशन x इक्वल टू माइनस वन देखते हैं, y इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर, कितना आएगा सर, वन प्लस हो जाएगा, ये भी दोनों प्लस हो जाएंगे, थ्री प्लस वन फोर, फोर में से फोर गया तो जीरो आया, चलो जीरो रख देते हैं। नेक्स्ट लेते हैं ये जीरो, x इज इक्वल टू, देखिए मैं इसको यू रखता हूँ तो आपको मालूम पड़ेगा पॉइंट, x इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर माइनस थ्री का भी जीरो हो जाएगा माइनस फोर, मिलेगा हमको माइनस फोर, क्योंकि ये दोनों जीरो हो जाएंगे, और वन का एक्स इक्वल टू प्लस वन, तो वाई इज इक्वल टू वन का स्क्वायर माइनस थ्री का वन माइनस फोर, ये वन वही रहेगा माइनस थ्री वही रहेगा, माइनस थ्री माइनस फोर कितना होगा माइनस सेवन, माइनस प्लस सेवन हो जाएगा माइनस सिक्स, चलो माइनस सिक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस टू, y इज इक्वल टू टू का स्क्वायर टू माइनस फोर, फोर फोर कट हो जाएगा माइनस थ्री माइनस सिक्स, माइनस सिक्स आएगा, बराबर है ना, फोर का फोर कट हो जाएगा और माइनस थ्री टू जा सिक्स, दैट इज माइनस सिक्स। लेट अस सी वन का वन यस ये बराबर है फोर माइनस फोर कट हो जाएगा थ्री टू सिक्स, लेट अस सी अब ये इक्वेशन ले लेते हैं, राइट, ये जीरो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स। मैं एक्चुअली ग्राफ पेपर पे नहीं दौड़ रहा हूँ, फिर भी ट्राई करता हूँ सही आए, बराबर, आपको खाली कंसेप्ट क्लियर करना है इसीलिए करवा रहा हूँ, राइट, तो यू ड्रॉ इट ऑन दी ग्राफ पेपर, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई प्लस एक्सिस, दिस इज एक्स माइनस एक्सिस और दिस इज वाई माइनस एक्सिस, माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन, लेट अस सी माइनस टू पे सिक्स, तो माइनस टू किधर है सर, यहाँ है, सिक्स किधर है ये, तो ये देखो बराबर यहाँ दौड़िए, राइट, यहाँ लिख दीजिए माइनस टू सिक्स। ओके, नेक्स्ट है माइनस वन पे जीरो, माइनस वन पे जीरो तो क्या करेंगे सर, यहाँ ले लेंगे क्योंकि ये यहीं खड़ा रहना है, तो ये हो जाएगा माइनस वन पे जीरो। नेक्स्ट है जीरो पे माइनस फोर, जीरो पे माइनस फोर, तो मतलब कहाँ आ गया, दिस इज जीरो पे माइनस फोर, राइट, और दूसरा क्या है वन पे माइनस सिक्स, वन पे माइनस सिक्स किधर होगा, ये रिया यार ये रॉन्ग हो रहा है, माइनस वन पे जीरो, जीरो पे माइनस फोर, हाँ बराबर है, सॉरी, राइट, नेक्स्ट क्या है वन पे माइनस सिक्स, तो वन पे माइनस सिक्स किधर होगा, ये रिया, राइट, तो ये वन पे माइनस सिक्स, ये है जीरो पे माइनस फोर, ये इसको राउंड कीजिए, इसको राउंड कीजिए, फिर उसके बाद है टू पे माइनस सिक्स, तो टू पे भी वापस माइनस सिक्स, मतलब ये, राइट, तो शायद हमको थोड़ा और नंबर लेना पड़ेगा, राइट, थ्री पे देख लेते हैं, थ्री पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो एक्स वाई इज इक्वल टू
थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नाइन, थ्री माइनस नाइन माइनस फोर तो हो जाएगा माइनस फोर, राइट, माइनस फोर तो थ्री पे हो जाएगा माइनस फोर, दिस इज द थिंग, राइट। अब ये कैसे आएगा मैं बताता हूँ, देखिए दिस इज द वे इट इज गोइंग टू कम। आप अगर और दो पॉइंट एक्स्ट्रा लेंगे तो ये आएगा, राइट, दिस इज पैराबोला। लेकिन आपको एक बात बताना है इसमें, ये पैराबोला देखिए ऊपर की तरफ ओपन है और यहाँ पे दो पॉइंट आएंगे आपके, राइट, दो पॉइंट आएंगे मतलब दो जीरो से, दिस इक्वेशन हैज गॉट टू जीरो, दिस इक्वेशन हैज गॉट टू जीरो, तो ये चीज है आपको दो पॉइंट है, ये टू जीरो कैसे है ये प्रूव करूं मैं आपको, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, इसका क्या है एक्स माइनस फोर, राइट, दिस विल गिव एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू प्लस फोर, एक्स इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन आया और ये प्लस फोर से जाएगा, ये आ गया, राइट, तो ये आपका दिस इज द थिंग, सी दिस आर टू जीरोस, क्योंकि ये जो ग्राफ है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पे दो जगह पे आ रहा है, राइट, एक है माइनस वन जीरो पे और एक है फोर जीरो पे, दिस आर द टू जीरोस। सो जितनी बार आपका ये पैराबोलिक ग्राफ है एक्स कोऑर्डिनेट को कट करता है, एक्स एक्सिस को कट करता है, उतने उसके जीरो से, राइट, लास्ट टाइम स्ट्रेट लाइन में वन बार कट हुआ तो ओनली वन जीरो, नाउ इट इज टू जीरो। अभी देर इज टू मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये क्या है, ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए इज ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या होगा, इसके साथ जो है प्लस में है, राइट, तो अगर माइनस होता है ना तो ये ग्रेटर देन जीरो है तो पैराबोलिक जो है ओपन साइड होगा। वही चीज अगर ऐसा इक्वेशन दिया है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, इस तरह का इक्वेशन दिया है माइनस एक्स स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे ए इज लेस देन जीरो आएगा, ए मतलब के बोलो या ए बोलो, राइट, वो लेस देन जीरो क्योंकि नेगेटिव में है, तो आपका इक्वेशन ऐसा होगा, उल्टा होगा, देखिए, तो मतलब क्या हुआ, ये नीचे की तरफ, इट विल बी डाउनवर्ड्स, समझ पड़ा आपको, ग्रेटर देन प्लस होगा तो अपवर्ड होगा पैराबोलिक, और वही चीज नेगेटिव में होगा तो डाउनवर्ड होगा। ओके, सो लेट्स गो टू द एग्जाम्पल ऑफ योर एक्सरसाइज 2.1। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल 1, लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x, वेयर p ऑफ x इज अ पॉलीनोमियल, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x। ये इतना इजी है लेकिन फिर भी पूछा तो जाता है। अब देखिए अगर ये हम नहीं समझे और ये एक मार्क हम छोड़ देते हैं तो फिर हम टेंथ के लायक ही नहीं है, राइट, स्टूडेंट जस्ट अंडरस्टैंड करो और ये आपका एक मार्क फिक्स है, एंड फॉर दो स्टूडेंट्स हु स्कोर 100 आउट ऑफ 100, फॉर देम ईच एंड एवरी मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये सबसे ईजी कंसेप्ट है, जरा समझ लीजिए, द ग्राफ, राइट, द नंबर ऑफ पॉइंट्स द ग्राफ इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल। फिर से बोलता हूँ, ये जो ग्राफ है, राइट, ये एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, वो उसके जीरोस हैं, राइट, तो पहले वाले में गिनिए, ये एक ही बार कट करता है तो द जीरोस इज वन, आंसर लिख दो, ये आपका है ना, आपको लिखना है एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, क्या लिखना है सर, एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, नंबर ऑफ जीरोस वन टू, टू लिख दे, एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट, वन टू थ्री, द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट थ्री पॉइंट, यहाँ पे सिर्फ एक बार, इसे नहीं काउंट करना है, सिर्फ एक्स एक्सिस, देयरफॉर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, यहाँ देखिए वन जस्ट वन पॉइंट पे टच करता है, इट इज वन बिकॉज द ग्राफ टचिज द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, यहाँ पे देखिए वन टू थ्री फोर, यार फोर, बताइए इजी है कि नहीं, राइट, और इसके आपको एक मार्क्स मिलते हैं, खाली आपको इतना लिखना है और एक सेंटेंस लिखना है, द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट फोर पॉइंट, देयरफॉर द जीरोस आर फोर ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल, दैट्स ऑल। अब यही चीज आपका एक्सरसाइज 2.1 में है और वो आपका एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा, लेट्स सी, वो भी देख लेते हैं, चलो लेट अस सी एक्सरसाइज 2.1 का वही क्वेश्चन नंबर 1, इसी तरह ग्राफ का दिया हुआ है, राइट, वी हैव टू जस्ट टेल हाउ मेनी
जीरोस आर देयर, राइट। पहला वाला देखिए, ऑलरेडी एग्जांपल में देखा कि एक्स एक्सिस को अगर इंटरसेक्ट करता है देन ओनली द जीरोस ऑफ द गिवन पी ऑफ एक्स इज देयर। तो लेट अस सी, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, देयरफॉर नो जीरोस, राइट, बिकॉज द लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, ऐसा लिख देगा। नेक्स्ट है, वन पॉइंट पे करता है तो इट इज 1 0, राइट, बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। यार द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, राइट। हमको कोऑर्डिनेट्स लिखने की जरूरत नहीं है, खाली यही बताना है, तो यहां पे लिख दीजिए 3, राइट। यहां पे देखिए 1 एंड 2, तो यहां लिख दीजिए 2, राइट, ओके। यहां पे देखिए 1 2 3 4, यहां लिख दीजिए 4, बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स। और यहां 1 2 और 3, तीन ही जगह पे है, तो देयरफॉर यहां लिखिए 3। और ले एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस और टचेस द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, और ये आपका एक्सरसाइज 2.1 हुआ, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीनोमियल्स एंड एक्सरसाइज 2.1 और एग्जांपल्स किए हमने, राइट। इसमें से एक मार्क आपको कंपलसरी पूछा जाएगा और आने वाले सम्स के लिए इंट्रोडक्शन भी काम आएगा, राइट। तो जस्ट प्रैक्टिस कर दीजिए एक बार, राइट, पॉज करके या तो फिर ऐसे ही चेक कीजिए, प्रैक्टिस करो और आपके ये क्लियर हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट्स, एक बात बतानी है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखें, आप हम मुझे फेसबुक में भी लिख सकते हैं, राइट, सो दैट आई कैन गेट बैक टू यू, आपको सॉल्व कर सकूं। और दूसरी बात, प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, सो दैट ये जो वीडियोस हैं वो आपको नोटिफिकेशन देते रहें, और इस तरह बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको अपने आप मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ओके। तो शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर इसलिए करो कि जितने भी बेचारे जो स्टूडेंट्स हैं, राइट, उन लोगों को भी ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो और उन्हें भी ये वीडियो का फ़ायदा हो, ओके। बाय फॉर द डे, थैंक यू।